आप सबको जिनका इंतजार था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी अपने वक्तव्य को देंगे। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत सभी लोग करेंगे। मैं आग्रह करूंगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। थोड़ा जोर आजमाइश, सब मिलके करेंगे तो पता नहीं आवाज कहां तक जाएगी। भारत माता की, थोड़ा दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंची है, दिल्ली के अंदर नहीं पहुंची है। भारत माता की। धन्यवाद। आज गुरुग्राम नगर में अपने इस जिले की ये जो प्रगति रैली है, इस रैली में इतना उत्साह और इतनी बड़ी संख्या में, इतने जोश से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, हो चाहे हमारे सुधीर सिंगला हो, भाई संजय सिंह हो, और पलवल के हमारे विधायक भाई दीपक मंगला भी, वो भी अपना योगदान करने के लिए आए हैं। हमारी बहन मधु आजाद, महापौर नगर निगम भाई तेजपाल जी तंवर, पूर्व विधायक आदरणीय श्री गोपीचंद गहलोत जी, पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री जीएल शर्मा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री समय सिंह भाटी जी, अजय गौड़ जी, संजय भसीन जी, नाम बहुत लिखे हुए हैं, जिनका नाम भूल जाए वो सब जी, जिनका नाम न भूले वो भी सब जी। आप सभा में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आप सबका अभिनंदन। हम लोग गुरुग्राम में हैं और गुरुग्राम का नाम आज न केवल अपने प्रदेश में, न केवल देश में, बल्कि पूरी दुनिया में एक आइकॉनिक सिटी गुरुग्राम, इस नाते से पूरी दुनिया में लोग जानते हैं। गुरुग्राम का अपना इतिहास है, हम जानते हैं कि इसका नाम गुरुग्राम भी उसी इतिहास के नाते रखा गया। ये गुरु द्रोणाचार्य जी की धरती है। गुरु द्रोणाचार्य जी को हम नमन करते हैं कि शिष्य गुरु परंपरा में उन्होंने जिस प्रकार से एक मिसाल कायम की है, हम उसी प्रकार से ज्ञान वर्धन के नाते गुरु द्रोणाचार्य जी से और अपनी प्रेरणा लेते रहे। भाई बहनों, ये एक औद्योगिक नगरी है और ये औद्योगिक नगरी हमारे देखते देखते इसने बहुत विस्तार किया है। मैं आज से लगभग 32 साल पहले 1990 की बात आपको याद कराता हूं। मैं कभी कभी गुरुग्राम आने का मौका मिलता था, अपने स्कूटर पर आता था, और ये जो ओल्ड दिल्ली रोड है, जिसको मारुति वाली सड़क हम कहते हैं, यही गुरुग्राम आने का रास्ता था।
और ये जो बाहर जितना आज हाईवे का नेशनल हाईवे जो बन गया है जयपुर हाईवे, ये सड़क उस समय मिट्टी डलनी शुरू हुई थी। और हमारे मन में विचार जाता था कि शहर के बाहर इस प्रकार से सरकार पैसा खर्च कर रही है, मिट्टी डालेगी, सड़क बनाएंगे, करोड़ों रुपया खर्च होंगे, इसका उपयोग क्या होगा? आखिर गुरुग्राम आने का रास्ता तो अंदर से, बाहर जंगल में से कौन आएगा? ये 30-32 साल पहले की बात आपको बताता हूं। और इस 32 साल में धीरे धीरे देखते 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 आज गुरुग्राम का एक स्थान बन गया है। जैसे मुंबई को, जैसे बेंगलोर को हम एक सपने का एक शहर देखते हैं, सिटी देखते हैं, वैसे ही लोगों के सपने का शहर ये गुरुग्राम बन गया है। गुरुग्राम में अपने किसी काम के लिए देर बाहर से कोई व्यक्ति आता है, चाहे देश से चाहे विदेश से आता, तो काम करने के लिए, काम करके शायद 10-5 दिन में वापस जाएगा, लेकिन आने के बाद जब वो इस समय का विषय देखता है, दृश्य देखता है, उसको लगता है कि मुझे गुरुग्राम में ही बस जाना चाहिए, उसके बसने की इच्छा कर जाती है। तो भाई बहनों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा एक, जिसको कहना चाहिए, एक स्वप्न का जो हमारा शहर है ये हमारा बना है। हरियाणा का ये प्रवेश द्वार है, दिल्ली से प्रवेश करते हैं तो गुरुग्राम प्रवेश द्वार होने के नाते सारी दुनिया को प्रभावित करता है। हमारा यह गुरुग्राम की जो और विशेषताएं हैं, देश का जो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो हमारा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मैं कहा करता हूं ये भले दिल्ली की सीमा में है, लेकिन अगर दूरी नापें तो गुरुग्राम से नजदीक है, दिल्ली से वो दूर है, दिल्ली से वो दूर पड़ता है। हमें उसका इतना लाभ है, हमारे देश की, दुनिया की 400 फॉर्चून कंपनीज उनके ऑफिस यहां हैं, 400 फॉर्चून कंपनीज, और हजारों लोगों को, बल्कि मैं कहूंगा लाखों लोग अपने व्यवसाय के नाते, चाहे हमारे हरियाणा के लोग हैं और चाहे बाहर के लोग हैं, अपनी आजीविका के लिए आते हैं। और यहाँ का वायुमंडल, वातावरण वो बहुत अच्छा बना है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे आईटी हो, चाहे पानी हो, बिजली हो, चाहे यहाँ पर मानो पर्यावरण के नाते से उसकी सुरक्षा हो, किसी भी मामले में। हाँ, एक मामले में आज भी हमको थोड़ा सा संकोच होता कहने में कि बरसात के दिनों में कहीं कहीं थोड़ा पानी भरता है। हमको पूरा ध्यान है कि ये समस्या को हल करने के लिए हम दिन रात लगे हैं, और पिछले 4-5 साल में कितने ही अंडरपास बनाए, कितने ही पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज की हमने व्यवस्था की, ये सारी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी, क्योंकि विकास जब होता है 10-20 साल के विकास में कई बार जो कमियां रहती हैं उसको पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगता है। एक पानी की समस्या यहाँ की, ये जो नजफगढ़ झील है, वहां हमारे जो किसान बंधु हैं, हजारों एकड़ पानी में वो, यानी जमीन जो है पानी से भर जाती है। हमने बहुत प्रयत्न करके और डिपार्टमेंट को धीरे धीरे लगभग 8-10 बैठ के करने के बाद अब अंत में ये निर्णय हुआ है कि जो पंचायती जमीन का 90-92 एकड़ जमीन जो है उसको झील के रूप में रखेंगे, उसके बाद बाढ़ बांध देंगे, 5000 एकड़ जमीन ये हमारी सुरक्षित हो जाएगी। और इसमें चूंकि वो बादशाहपुर विधानसभा में आता है, तो मैं इसका श्रेय भी अपने विधायक राकेश दौलताबाद को दूंगा कि उन्होंने लगातार प्रयत्न करके और इस काम को कराया है। तो इसलिए हमारे सब विधायक अपने कामों को लेकर के, और चंडीगढ़ में सभी विभागों से मिलते हैं, मेरे पास जब भी आते हैं तुरंत उनके काम को, क्योंकि गुरुग्राम हमारा आइकन सिटी है, छोटी सी कमी रह जाए तो बहुत कठिनाई खास करके मेरे लिए जरूर आ जाती है। क्यों आती है? हमने सब 22 के 22 जिलों को एक एक प्रभारी मंत्री के नाते उनके जिम्मे सौंपा हुआ है। और आपको जानकारी कुछ लोगों को तो होगी, सबको नहीं होगी, गुरुग्राम जिले को प्रभारी मंत्री इस नाते से मैंने अपने पास रखा हुआ है, और इस नाते से हर महीने मेरा आना होता है। ठीक कहा हमारे अध्यक्ष जी ने कि हर महीने जब मैं आता हूं तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कभी 5, कभी 10, कभी 2, कभी 8 वो प्रोजेक्ट लेके खड़े रहते हैं, इसका शिलान्यास कर जाओ, इसका उद्घाटन कर जाओ। आज का गुरुग्राम, आज से 5 साल पहले भी कोई आया होगा तो बहुत बदला हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं,
आने वाले 5 साल के बाद ये गुरुग्राम कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। जैसे उदाहरण के लिए सेक्टर 37-38 इसके बीच में 1000 एकड़ एक जगह रखी हुई है हमने, HSIDC ने एक्वायर की हुई है और वो कई वर्षों से उसकी प्लानिंग बन रही है कुछ आगे बढ़ाने के लिए, कुछ किसी सरकार ने पहले काम नहीं किया। हमने आते ही इसको केंद्र सरकार से पहले समझौता किया, केंद्र सरकार ने कहा कि हम इसको अच्छा एक ग्लोबल सिटी बना करके देंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से बात सिरे नहीं चढ़ी। आप पिछले 6 महीने से लगातार हम बैठ के कर रहे हैं और उस ग्लोबल सिटी के लिए हमने एक प्रारूप तैयार कर लिया है, उसके लिए 3 रोड शो हमने कर लिए हैं। बॉम्बे में भी हम 20-25 बड़े डेवलपर से बात करके आए हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा और एक ऐसी ग्लोबल सिटी, दुनिया के सबसे बड़ी वो सिटी होगी। आज दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी कोई है तो वो 800 एकड़ में है और ये हमारा जो सिटी बनेगी 1008 एकड़ में बनेगी। 1008 एकड़ की एक भी सिटी नहीं बनी है कहीं भी। तो मित्रों, गुरुग्राम दिन दोगुनी रात चौगुनी ये उन्नति कर रहा है और इसके लिए जितने भी काम हैं लगातार हम इसको चाहे सिंगापुर हो उससे आगे बढ़ाएंगे, चाहे दुनिया का और कोई बड़ा शहर हो उसे भी आगे बढ़ाएंगे। इस शहर के देखा जाए तो कई हिस्से हैं, एक गुरुग्राम ओल्ड गुरुग्राम, एक न्यू गुरुग्राम, एक मानेसर का इंडस्ट्रियल गुरुग्राम, एक ग्रामीण गुरुग्राम। हमारा ध्यान सब पर है। जब हमको ध्यान में आया कि मानेसर क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ रहा है तो हमने बातचीत करके उसका नया कारपोरेशन बनाया, पिछले साल नया कारपोरेशन मानेसर का बन गया है। गुड़गांव एकमात्र जिला है गुरुग्राम जिस जिले में 2 कारपोरेशन है और किसी जिले में 2 कारपोरेशन नहीं है। हमने यहां विकास के नाते GMDA का गठन किया, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ताकि एक अलग से एक ऐसी अथॉरिटी हो यहाँ के काम की हर फाइल, ये अब चंडीगढ़ नहीं जाएगी, अब तो GMDA के अधिकारी यहीं बैठेंगे, यहीं अधिकारी काम को उसकी ड्राइंग बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, पास करेंगे, टेंडर करेंगे और काम देना शुरू कर देंगे। GMDA बनने के बाद 1000 करोड़ रुपए का काम GMDA ने करना शुरू कर दिया है और आज भी कुछ प्रोजेक्ट मेरे पास ऐसे बड़े आए हैं जो GMDA के माध्यम से हम कराएंगे, आज उसकी मैं घोषणा करने वाला हूं। और संयोग ऐसा है कि आज की जो घोषणाएं हैं, आज तक 7.5 साल में जितनी रैलियां की हैं, मैंने हिसाब किताब लगाया, उन सब रैलियों में सबसे ज्यादा सबसे बड़ी घोषणाएं वो आज इस रैली में होने वाली हैं, इस रैली में होने वाली है। भाइयों बहनों, गुरुग्राम हमारा एक आर्थिक राजधानी मैं कह सकता हूं हरियाणा की, क्योंकि अर्थ भी यहां से पर्याप्त हमको मिलता है। जहां हमारा खर्च ज्यादा होता है वहां में यहां से लाभ भी ज्यादा होता, अर्थ भी मिलता है, क्योंकि यहां इंडस्ट्री बहुत है, इंडस्ट्री से हमने GST को मिलता है, GST के अलावा और भी कई तरह के टैक्स मिलते हैं। तो हम जितना पैसा यहाँ खर्च करते हैं कोशिश करते हैं सारा यहाँ लगे, या कहीं कमजोर कोई इलाका है, कई बार एक परिवार में कोई कमजोर परिवार का सदस्य होता है उसकी मदद करनी होती है, तो कहीं हम कमजोर परिवार के सदस्यों को भी यहां से लाभ पहुंचाते हैं। संकल्प हमारा है कि पूरे हरियाणा का हमने प्रगति करनी है, पूरे हरियाणा को हमने विकास से विकसित हरियाणा करके बनाना है, तो उसमें गुरुग्राम का एक बहुत बड़ा योगदान है। गुरुग्राम के लिए जो हमारे विकास के काम है उनको मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने बताया बहुत हमने काम किए हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं, लेकिन अब तो आगे बढ़ने की बात है। आज जो आगे और काम कराने हैं वो आपको बताऊंगा। अब मैं पूरे प्रदेश की बात आपसे करता हूं। शिक्षा, इसमें हमने हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज होना चाहिए ताकि हमारे छात्रों को, चाहे वो छात्र हैं छात्राएं हैं, 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी ये ना बनानी पड़े। अभी हमारे विधायक पटौदी बता रहे थे कि हमारे यहाँ कॉलेज की शिक्षा जो शिक्षा है, कॉलेज के जो एडमिशन है वो शुरू हो गए हैं। अभी पिछले दिनों में यहाँ सेक्टर 14 में गुरुग्राम में भी एक कॉलेज की बिल्डिंग हमारी बनी है। अभी एक भांगरोला काकरोला वहां भी एक कॉलेज की बिल्डिंग हमारी और बनने वाली है। इसलिए कॉलेज के नाते जितनी सहायता सहयोग हमको
यहां करना है वो सारा हम करेंगे। स्कूली शिक्षा, सरकारी स्कूलों को उसके चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे अध्यापकों का स्तर बढ़ाने की बात है, सब चीजें हम कर रहे हैं। उसमें सरकारी स्कूलों का लेवल बढ़ाने के लिए हमने एक और मॉडल संस्कृति स्कूल ये शुरू किए हैं। तो संस्कृति मॉडल स्कूलों में स्कूल का कैडर अलग होगा, इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा, सीबीएसई का होगा, और पहले साल में 500 नए स्कूल हरियाणा में हम ये खोलने जा रहे हैं। अभी हमने, क्योंकि कोविड का एक जो हमको अनुभव आया, कोविड के अंदर स्कूलों में शिक्षा बंद हो गई, अध्यापकों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। जो तो अच्छे परिवार थे, संपन्न परिवार थे, संभ्रांत परिवार, उनके यहाँ तो मोबाइल भी है, एक हर आदमी का मोबाइल है, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, टेबलेट भी है, सब चीजें हैं, लेकिन गरीब बच्चों के पास ये चीजें नहीं होती, अभाव होता है। और अगर कोई उनके पास मोबाइल होता भी है तो वो एंड्रॉयड नहीं होता, जिसमें पढ़ाई कराई जा सकती है, छोटे सामान्य मोबाइल होते हैं। हमने तय किया कि इस पहले साल के पहले चरण में हरियाणा के 10वीं 11वीं 12वीं इन तीन कक्षाओं को 5 लाख, इनकी संख्या है 5 लाख, टेबलेट एक का खर्चा लगभग 15,000 रुपया पड़ता है, तो ऐसे 5 लाख टेबलेट लगभग 750 करोड़ रुपया खर्च करके और ये हमने बांट दिए हैं सब बच्चों को। और आपको बताऊं, इतना बड़ा काम देश में ही नहीं, दुनिया में किसी भी देश में 3 क्लासों का एक साथ 5 लाख टेबलेट बांटने का काम किसी ने नहीं किया है, किसी ने नहीं किया। आज बड़े बड़े देश वो अचंभे में रह गए कि हरियाणा ये काम कर रहा है। तो मित्रों, हरियाणा में शोर मचाने वाले मचाते रहेंगे कि शिक्षा ये है, शिक्षा वो है। जितनी शिक्षा की प्रगति हरियाणा ने, नीति आयोग की रिपोर्ट है कि हरियाणा ने जिस प्रकार से प्रगति की है, किसी प्रदेश ने ऐसे नहीं की है। हम किसी के उल्टा सीधा बोलने से हम कोई बुरा नहीं मान रहे हैं, वो बोलते रहे, लेकिन हमारा कारवां चलता रहेगा। कहते हैं कारवां चलता रहेगा, कुत्ते भौंकते रहेंगे, जिनको भौंकना भौंकते रहो, हमको कोई लेना देना नहीं, हम अपने काम को बराबर हम कर रहे हैं, तो हमारा कारवां आगे बढ़ता जाएगा। पूरे प्रदेश में 17 नेशनल हाईवे ये हमने आने के बाद मंजूर कराए हैं, 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। आज हरियाणा का कोई जिला ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी नेशनल हाईवे के साथ ना लगा हो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो डेडिकेटेड रेलवे जो हमारा कॉरिडोर है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो यूपी, दिल्ली, मुंबई, ये जो सारा हमारे हरियाणा में से होकर के निकलता है, इसका 170 किलोमीटर हरियाणा में हिस्सा है मुंबई तक। अब जो पहले 3-3 दिन, 4-4 दिन में गाड़ियां पहुंचती थी, अब 12-14 घंटे के अंदर हमारा कोई भी शाम मुंबई पहुंच सकता है। ये उद्योग के लिए बहुत बड़ा लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार ईस्टर्न डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर है, जो पंजाब से शुरू होता है, कलकत्ता तक चला जाता है, उसमें भी 72 किलोमीटर हिस्सा ये हरियाणा का आता है। हरियाणा का इंडस्ट्री का, उधर जो अंबाला है, यमुनानगर है, उस सारे क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट को उसका लाभ होने वाला है। तो इसलिए मित्रों, हम जो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में, अब ये केजीपी को ले लीजिए आप, केजीपी जब तक नहीं बना था तब तक दिल्ली के अंदर होकर के हमको जाना पड़ता था। 135 किलोमीटर का जो केजीपी की सड़क बनी है, बाहर बाहर से दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करना पड़ता, और बहुत जल्दी हमारे जो लोग उत्तर भारत में जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, पंजाब निकलना हो, तो इस रास्ते का उपयोग करते हैं। और न केवल केजीपी, बल्कि केजीपी के साथ साथ एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, रेल का एक रेलवे लाइन, वो भी उसके साथ साथ बन रही है। उसके लिए भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ये काम शुरू हो गया है कि केएमपी के साथ साथ एक रेलवे लाइन निकलेगी। और फिर गुरुग्राम के लोग, फरीदाबाद के लोग, या हमारे झज्जर जिले के लोग, शताब्दी भी इस पर चलेगी। शताब्दी पकड़ के चंडीगढ़ जाना हो तो हमको दिल्ली जाके नहीं पकड़नी पड़ेगी, इसी रूट से सीधे हम अपनी ट्रेन जाकर के पकड़ सकते हैं। हमने सोना में IMT बनाई 1400 एकड़, हमने खरखोदा में 3,000 एकड़ जमीन को विकसित किया, जिसके अंदर 1,000 एकड़ अभी मारुति ने
एक नया प्लांट लगाने के लिए हमसे लिया है। बहुत लोग शोर मचाते थे कि आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी है कि जिसमें से मारुति शायद कहीं बाहर ना चली जाए, गुजरात ना चली जाए, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस प्रकार की है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति इन 5 सालों में हमारे यहाँ के लगाए हैं। कोई उद्योगपति बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, आज उनको बहुत लाभ हरियाणा की ओर से मिल रहे हैं। इसी में से मारुति का जो नया प्रोजेक्ट है वो उन्होंने खरखोदा में लगाने का अपना निर्णय लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा ये काम किया गया है। वो प्लांट के लिए उन्होंने जमीन खरीद ली है, बहुत जल्दी ये करने वाले हैं। मित्रों, इसी प्रकार रेलवे के बहुत काम है। रोहतक में महासी करनाल यमुनानगर रेलवे लाइन, यहाँ से रोहतक में एलिवेटेड रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के आरओबी आरईओबी, रेलवे मंत्री ने हमको कहा है कि हरियाणा में कोई भी फाटक नहीं रहना चाहिए, जहां रेलवे लाइन पर फाटक है सबको बंद कर दो, या तो रेलवे ओवरब्रिज बनवा लो या रेलवे अंडरब्रिज बनवा लो, और हम अगले साल में जितने भी ऐसे फाटक हैं उन सबको बंद करके और रेलवे के सहयोग से ओवरब्रिज अंडरब्रिज सारे के सारे कंप्लीट करा देंगे। फिर हरियाणा में किसी गाड़ी को फाटक के ऊपर खड़े होकर इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, ये एक हमारी योजना है। हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमारे यहाँ 2 एयरपोर्ट की सुविधा हमें मिल रही है, चाहे वो नई दिल्ली का है और चाहे चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हमारा हिस्सा भी है, लेकिन है वो हमारे हरियाणा की भूमि से, यानी हरियाणा की जो हद है उसको बाहर है उससे। दिल्ली का एयरपोर्ट भी बाहर है, हरियाणा की जमीन पर एक एयरपोर्ट बढ़िया हिसार में अपना एक एयरपोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट उसका नाम रखा है। आने वाले 2 साल के अंदर वहाँ डोमेस्टिक फ्लाइट, इंटरनेशनल फ्लाइट, कार्गो फ्लाइट सब चलनी शुरू हो जाएगी। हरियाणा का पश्चिमी हरियाणा भी उस नक्शा उसका बदलेगा। भाइयों बहनों, रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत में हमने बनाई है, मेट्रो का विस्तार चाहे वो गुरुग्राम फरीदाबाद का है, चाहे बल्लभगढ़ मुजस्सर का है, और चाहे बहादुरगढ़ से आगे सांपला तक है, ये सब रेल की मेट्रो लाइंस, इसको बनाने का भी आगे पाइपलाइन में योजनाएं हैं, बहुत जल्दी इस पर काम शुरू होगा। बाढ़सा के एम्स में, यानी एम्स का जो एक कैंसर का संस्थान है झज्जर बाढ़सा के अंदर, बहुत बड़ा सेंटर, देश और दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर है कैंसर का। और इसी प्रकार से रेवाड़ी में एक एम्स ये भी मंजूर हुआ है, उसकी जमीन खरीद ली गई है, एम्स का उस पे भी विचार होगा। जहां तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, हमने हरियाणा के हर जिले में कहा था कि मेडिकल कॉलेज आएगा और सब जगह घोषणा हो गई है, आने वाले 3 साल के बाद सारे मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो जाएंगे। 2014 में जब हम आए थे मात्र 750 MBBS की सीटें, ये हरियाणा में हम एडमिशन देते थे उनको, 750 डॉक्टर 5 साल के बाद हमको मिलते थे, लेकिन आज जितने मेडिकल कॉलेज और हमने बढ़ाए हैं इन 7 सालों में, आज 1650 सीटें, 900 सीटें और बढ़ गई हैं, MBBS की 1650 सीटें हैं। और आने वाले 3 साल के बाद जब सभी मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे तो 2900 यानी विद्यार्थी MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, 2900। उसमें हमारे यहाँ का शीतला माता मेडिकल कॉलेज वो बनके तैयार हो जाएगा। शीतला माता मेडिकल कॉलेज, इसकी हमने गुरुग्राम में घोषणा की है, उसका काम शुरू हो चुका है, टेंडर हो चुका है, और बहुत जल्दी उसका काम जो है शुरू होकर के पूरा होगा। हमने शिक्षा में तो काम किया ही है, इंडस्ट्री में पूरे हरियाणा में 146 क्लस्टर बनाए जाएंगे, उसका नाम हमने रखा पद्मा स्कीम। आखिर दूर दराज के एरिया में भी इंडस्ट्री के लोग जाएं और वहां लोगों को रोजगार मिले, छोटा MSME का सेक्टर होगा, छोटी छोटी इंडस्ट्री हमारा हरियाणा का आदमी खुद भी लगा सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। मित्रों, लोगों को रोजगार देने के लिए हमने अंत्योदय मेले लगाए हैं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,00,000 रुपया वार्षिक आय से कम वाले लगभग 7 लाख परिवार हरियाणा में से है, हम इन 7 लाख परिवारों के नौजवानों को उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको लोन दिलाएंगे, सरकार की सब्सिडी दिलाएंगे, सरकार की ग्रांट दिलाएंगे, ताकि तो बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में विकास रैली को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और विकास रैली का आयोजन गुरुग्राम में, गुरुग्राम का आइकॉनिक सिटी बनाया गया है, गुरुग्राम को मुख्यमंत्री
ने ये तमाम बातें इस रैली को संबोधित करते हुए कही। विकास रैली को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को आइकॉनिक सिटी बनाया गया है, पूरे गुरुग्राम के विकास के लिए GMDA भी बनाया गया है, गुरुग्राम हरियाणा की आर्थिक राजधानी है। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस रैली को संबोधित करते हुए कही है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि 1008 एकड़ में विश्व की सबसे बड़ी जो साइबर सिटी है वो यहाँ बनाई गई है। इसके साथ ही हर 20 किलोमीटर क्षेत्र में कॉलेज की व्यवस्था की गई है, GMDA बनाया गया है, विकास के लिए पूरे गुरुग्राम में आगामी 5 साल में ये गुरुग्राम कुछ और होगा, यानी कि आज जो है आने वाले 5 सालों में कुछ और ही दिखाई देगा। गुरुग्राम पूरे प्रदेश में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल भी खोले जा रहे हैं, हर 20 किलोमीटर क्षेत्र में कॉलेज की व्यवस्था भी की गई है और साथ ही सरकारी स्कूलों को अपग्रेड भी किया जा रहा है।